नाजरीन, मैं हूं तुम्हारी मेजबान कायनात मलिक। अज असा त्रेमित सांझ आर्गनाइजेशन के ऑफिस मौजूद हूँ और त्रेमित सांझ एक जी एक समाजी तंजीम है और उनकी जी रूह रवा है जी उन्हें प्रेजिडेंट है वही सा मौजूद है खुद त्रेमित इन्होंने ना है कनीज फातिमा और अजकल जरा कोरोना वायरस है उनके हवाले इत बह के क्या क्या अपने जरा सलाहित अपनी खिदमात सर अंजाम देते पे कनीज फातिमा जरियन इतना खवातीन को ट्रेनिंग सेंटर बनाया हुआ है जिन्हें सिलाई पढ़ाई सिखाया मैंने ताकि खवातीन इतना हुनरमंद थी घर बैठे बाइसर तरीके रोजी कमा सकें। आओ उन्होंने करेंगे से गपशप और कुछ देर से जनाब ये कदम को कम करेंगे पे और कोरोना वायरस के हवाले न क्या आखिर चाहते पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जरा नाजरीन को दसो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरे ग्रहणी बिराओ सबको सलाम। मेरे नाम कनीज फातिमा है, ट्रेबल एरिया को मैं ताल्लुक रखे दिया। मैं बलोच फैमिली दी नाल ताल्लुक है मेरा, जिन्हें दी औरत बाहर निकलना बहुत बड़ा मायूब समझा लेना, लेकिन अल्लाह पाक दी मेहरबानी है मेरे अपने ग्रहणी बिराने की मेरे उत्ते एतमाद है कि 20 साल करूँ मैं खवातीन के हकूक ते कम करेंगी पियाँ जिन्हें हर किस्म का उन्हें उम्रमंद बनावन तालीम दे उत्ते जो भी कोई ऐसा है सिलसिला खवातीन के हकूक कोई कोई दबे ना पे होंगे तो उन्हें जवाब बनी हूँ सामने की मेरी एक माशाल्लाह टीम है। पहले मैं छोटे छोटे तंजीम बनाए उनका गला बढ़िया तंजीम और उनके बाद एक त्रेन साल एक ना दे उत्ते उभरी है जिन्हें अल्लाह का शुक्र है पूरा जिला पूरे पंजाब ना है प्या अल्लाह की मेहरबानी है कितनी भी ज्यादा खवातीन तो थी नहीं पियो तो त्रेन साल पहले ही उन्हें गलाल बनी है हाथ धोवो बाहर ना निकलो कि हाथ ना लेवो ज्यादातर लोग मेल जोल ना रखो तो साडे लोग या मैं खुद असा ये कम किते वाले प्रोग्राम वजीर आजम का आ गए हिफाजत थी है अल्लाह का शुक्र है घर पहुंच गए बाकी आएगा मसला बाहर घुमाने वाले लोगों को अगर हाँ तो वो भी गवर्नमेंट कंट्रोल किते मेहरबानी है लेकिन लॉकडाउन की वजह तुम जो लोग परेशान है वो जहाड़ीदार है अमीर मजदूर तबका जहाड़ी वाले उन्हें भी जहाड़ी रुक गई है उन्हें गरीबों ने बाल बिल्कुल निढा दे क्योंकि वही वक्त कहीं सियासतदान साढ़े पास तवज्जो नहीं दी थी जिन्हें वजीर आजम साहब आख्या है बाकी गवर्नमेंट आ गई तावन करे मेहरबानी लेकिन हाली तक तो कुछ नहीं था बेनजीर दे लेकिन अगर सियासतदान में आ गए तो गरीब रह गए मेहरबानी करे उस्मान गुलदार साहब भी ते नाल इमरान खान भी अगर गरीबों तक कशर पहुंचावना चाहते तो समाजी लोगों को समाजी तंजीमें को मकामी लोगों को ना लड़ावे ताकि वो इस तरह बढ़ाने को देखें टाइगर फोर्स क्या थी ये फलां थी ना पे ये थी ना पे ये चीज़ हम बेशक करें लेकिन या तो फौज दे सकती है हर किन तवज्जो या सिर्फ समाजी तंजीम दे सकती है कहीं सियासतदान अज तक आते कहीं गरीब के घर जो किलो आटा नहीं दिता उन्होंने मतलब यह नहीं कि गरीब मर गए
जी वैसे एक महीना पूरा थी ने 13 तारीख का लॉकडाउन था पूरा महीना थी ने ही बोले तक कड़ी गरीब के घर एक रुपया नहीं पहुंचा बेनवी तो जिंदा पड़ी उम्र बड़ी बेतरतीबी है उम्र रश है वो लोग हैं अल्लाह के तरह से कोरोना की जिन्हें सारे इलाके सारे पास है पूरे पाकिस्तान है घट शरा है अब कहीं थी से घट लेकिन अल्लाह ने करे बाकी मुल्क जिन्हें यकदम धड़ा धड़ा आ गई है तो गरीब के लिए से उम्र किस्सा गरीब वैसे से अगर वैक्सीन गिन से तो अमीर गिन से अगर हिफाजत करे से तो अमीर करे से अगर जेहा तरीका थी सबसे घरों छो सा दाम रुके बैठे वायरस को रुके बैठे अल्लाह को नहीं रोक सकता कोई ये लोग होने जो रहे मेरी कुर्सी का पूछे ना यही कुर्सी का बहते अगर आज आपड़ी जकात आपने पैसे दी कढ़न ते आपने एमएलए जेरे जेरे हल्के जन हुए कशर चला दे नहीं पूरे महीने गरीब परेशानी ना आ गया सिंध के लोग अगर करेंगे तो नहीं तो पंजाब ही कर सकते बहुत बड़े अमीर बैठे इधर दिलारी मरवारी गुशारी ग्रेशर सारे कई आठ जो है कि लोग कहीं गरीब कटे रहते थे नहीं अगर सब किधर भी कोई अमदी है रिलीफ तो बड़ा देना सारे बंदे ना नालिक हो जा और आज मैं एक बार क्या कर बोले सब इलाजन पर तो बैंक मैनेजर 5 साल रिलीफ दे कई कंपनी वाले डालडा वाले राजन को तकसीम की तो मैं खबर मिली 5 थेरे जा गए मैनेजर क्या 5 ढाकरी तो मना थी कौन लेकिन अल्लाह का खौफ बैंक अगर अल्लाह का जल जड़े खौफ आवे से बंदा दिल में तो ना कर गिन से क्योंकि ऐसा फार दे नहीं है अल्लाह सब टाइम की तो मौत करो पहले ऐसा फार कर गिनो तौबा कर गिनो वीरस को हलाल कर गिनो अजरेस हलाल करन ला जाएंगे अगर सारे लोग सारे ये पैसे वाले लोग सारे माशरे दे बहुत बड़े अपने आप को अच्छे लोग सजावन वाले आज अच्छे ही डटा ही मिलेंगे साथ साथ चमकेंगे खड़े हर शे करेंगे खड़े लेकिन आज कहीं गरीब जैसे अच्छा रखें थे अल्लाह ही खोश थी उसने अल्लाह का रसूल खोश थी से क्योंकि हर बंदा तौबा कर रहे ना बैठे इस्तगफार पढ़ता बैठे घरे इमरान खान को उस्मान गुजदार साहब को मेहरबानी करे समाजी तंजीमों को नाम करे दूसरा गरीब पर घर तक पहुंचा रहे या फौज पूछे से या तंजीमा पूछे से बाकी कोई नहीं पूछे जी नासीन तुसा करीम फातिमा से समाजी वर्कर है उन्हां दे तुसा गुफ्तगु सुने उन्हां ने आखे के इत्थे भी रिलीफ दा काम सी ने कहिं इत्थे समाजी तंजीमा को एक तो बैन कर दिता कि तुसा रिलीफ करा वंडे सो दूजी गल है कि उन्हां को नाल मिलते कहिं तो दे समाजी तंजीमा सियासत को बला कर मुंदे ये सही माने जेरे हकदार लोग हैं जेरे गरीब लोग हैं उन्हां दे दने तक पहुंचते हैं और उन्हें कोई एक एक बंदे का पता होंगे लिहाजा वो मुतालबा करें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को वजीर अला पंजाब को कि वो जिले ही गवर्नमेंट को पाबंद करे कि जितना भी रिलीफ का कम थींदा पे और उनका समाजी तंजीमा और उन्हें वर्कर हैं उन्हें गिन मने ताकि जितना भी इन जरा एहसास प्रोग्राम के तहत खवातीन को 12,000 रुपये की किस्त की मिली उसका हुलटबाजी क्या इतने मतलब भजूर ही अगर कम टूट गए उनके उदाहरण दे गए खवातीन आपस में लड़ते हैं भिड़ते हैं उनके बाद जड़ी ऐसा कट मुक जाए से भी लोग एक एक चार कट्ठे ना करे उठा हजार की तादाद सैकड़ों तादाद खवातीन एक बिना खतरे मौजूद जनाब जगह इंशाल्लाह जिंदगी।